आज हम सॉल्व करते हैं PII डेटा इन URL लैब को। तो वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज एबीसील और ये वीडियो है PII वल्नरेबिलिटी के बारे में, सॉरी PII डेटा इन URL वल्नरेबिलिटी के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। वेबसाइट है अप बैंक करके, जो एक बैंकिंग वेबसाइट है, ठीक है, आगे नहीं पढ़ना है, यही कुछ होगा। अब एलिस भैया आए बहुत टाइम के बाद। डेटा प्राइवेसी हैज एंगेज इन थर्ड पार्टी कंसल्टेंट बॉब टू परफॉर्म अ PII असेसमेंट अगेंस्ट अप बैंक्स। तो PII असेसमेंट करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है PII क्या होता है तो नीचे लिखा हुआ है। पर्सनली आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन इज अ लीगल टर्म यूज टू डिफाइन एनी इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज बाई ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स ओन और विथ इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिटी कॉन्टैक्ट और लोकेट अ सिंगल पर्सन और टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट। पर्सनली आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी यूज कर सकती आपको आपके पास एग्री करवाने के बाद, वो होता है PII, ठीक है। तो इसके ऊपर एक कुछ वल्नरेबिलिटी है, मेरे को भी नहीं पता है वल्नरेबिलिटी, पहली बार मैं इसको फेस कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये क्या है मुझे नहीं पता, इसका कॉन्सेप्ट देख देख कर करते हैं, और क्या बिगिनर जैसे करते हैं वैसे मैं भी करूंगा। हैविंग सक्सेसफुली लोडेड अपबैंक्स वेबसाइट बॉब बिगिंस द PII असेसमेंट बाय ब्राउजिंग द अपबैंक वेबसाइट मैपिंग की फीचर्स एंड सर्विस दैट आर लाइकली टू प्रोसेस यूजर्स सबमिटेड। ओके, तो ये कॉन्टेक्ट अस क्या होने वाला है मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं कैसे समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन करूंगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये मैंने कर दिया पेस्ट। ये बाहर आवाज स्टार्ट हो गई यार, अजीब लोग हैं। तो मैं पढ़ता हूं, द कॉन्टेक्ट अस पेज कंटेन्स अ वेब फॉर्म दैट अलाउ यूजर टू सबमिट देयर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ओके, तो यहां पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स अलाउड है। हाउएवर बिफोर सबमिटिंग बॉब्स कॉन्टेक्ट डिटेल लेट्स ओपन अ टर्मिनल एंड मॉनिटर अपबैंक्स वेब सर्वर। तो ये अपबैंक का वेब सर्वर मॉनिटर करना है आप लोगों को। ये काम आप तभी कर पाओगे जब आप पेनिट्रेशन टेस्टर होंगे। नॉर्मल बग बाउंटी हंटर ये नहीं कर पाता है क्योंकि बग बाउंटी हंटर के पास सर्वर का एक्सेस नहीं होता है। पेनिट्रेशन टेस्टर और बग हंटर में यही फर्क होता है। पेनिट्रेशन टेस्टर उस सर्वर के पास बैठकर सब कुछ करता है और सर्वर का एक्सेस होता है उसके पास, और बग हंटर बिना सर्वर के एक्सेस के सब कुछ करता है। यही फर्क होता है पेनिट्रेशन टेस्टर और बग हंटर में। तो यहां पर क्या क्या, पहले तो सर्वर का लॉग यहां पर एक्सेस कर लिया, उसके बाद ये जो डेटा डालना है हमको आगे, ये हमारा लॉग चल रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये डेटा डालना है। ये पेनिट्रेशन टेस्टर ही कर सकता है, ये आप लोग नहीं कर सकते। यानी कि हैकर वन पे से कोई टारगेट उठाकर ये काम आप नहीं कर सकते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है ये देखकर, क्योंकि मैं भी इस पर्टिकुलर चीज में नूब हूं, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहां पर क्या है, इंटरेस्टिंग, अपॉन सबमिटिंग द कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या बोला मैं बॉब्स कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर पास इन एज URL पैरामीटर्स व्हिच आर फर्दर लॉग्ड इन द एप्लीकेशन सर्वर्स लॉग फाइल। Although at first they may not appear to be a security risk, consider a scenario where a bank is using a log monitoring application such as Splunk. Okay, तो ये direct vulnerability नहीं है, यानी कि कोई और नहीं देख पाएगा क्योंकि उसके पास वो server की access नहीं होगी, तो कोई और नहीं देख पाएगा ये चीज को। लेकिन मान लो कि ये जो server use कर रहे हैं वो server कहीं और उसके data निकल गए, तो ये server पे तो ये चला जाएगा ना, समझ लो। यानी कि रमेश की एक थैली है, ठीक है, प्लास्टिक बैग रमेश की है, लेकिन रमेश ने सुरेश को दे दी। अब सुरेश बैंक में गया उस थैली को लेकर, पैसे लेकर आया, और पैसे के साथ उसने अकाउंट नंबर की स्लिप लेकर आया था, तो अकाउंट नंबर की स्लिप उसकी थैली के अंदर ही रह गई और पैसे उसने निकाल के अपने लॉकर में रख दिए। अब वो थैली फिर से लौटानी है रमेश को, तो सुरेश ने वो थैली लौटाई, उसके अंदर वो अकाउंट नंबर की स्लिप भी थी, तो वो वहां पर चली गई। इसी तरीके से मान लो एक ये जो वेबसाइट है वो कोई और सर्विस यूज कर रही है, जैसे कि यहां पर इस प्लंक को यूज कर रही है, तो इस प्लंक इस अपबैंक के ऊपर ये डेटा लीक हो रहा है, उससे कोई तकलीफ नहीं क्योंकि अपबैंक का सर्वर है, वहीं पर लीक हो रहा है वो, तो वहां पर जो बैठा है वही देख पाएगा, कोई बाहर नहीं देख पाएगा। लेकिन मान लो जो सर्वर के ऊपर प्लंक सर्विस चल रही है, उस प्लंक का डेटा ब्रीच कहीं पर हो गया कल को, तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, उसको और अच्छे से कैसे समझाऊं, मैं नहीं समझा पाऊंगा, यही है बेहतर तरीका समझाने का। तो ये होता है पर्सनल आइडेंटिटी, क्या था वल्नरेबिलिटी का नाम भी मैं भूल गया, PII, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है PII कि नॉर्मली ये कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसे घुमाकर देखोगे तो वल्नरेबिलिटी। अब इसके लिए आपका दिमाग इतना एक्सपीरियंस होगा तभी समझ पाओगे, मैं समझ गया हूं पर्सनली, दैट इज इट। तो ये है, यही थी वल्नरेबिलिटी, मजेदार थी, कुछ नया सीखने को मिला, और क्या, बाकी सबकी तरह नहीं थी, लेकिन एट लास्ट सब कुछ बढ़िया नहीं होता है क्योंकि लड्डू सबको नहीं बटते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, दैट इज इट फॉर दिस लैब। मैं मिलूंगा आपको अगले लैब में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।